अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। वो लेकर आई हूँ नमकीन सिवई। ये नाश्ते में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं। आप ज़रूर ट्राई करें इनको। ये बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने सिवई ली है, आप कोई सी भी सिवई ले सकती हैं, इससे थोड़ी मोटी आती है वो भी ले सकती हैं। और ये मेरे पास सीखी हुई हैं ये पहले से ही, और अगर सीखी हुई नहीं हो तो थोड़ा सा आपको इन्हें रोस्ट करना पड़ेगा। ये कुछ सब्जियां हमारे नमकीन बनानी है। थोड़ी थोड़ी मैंने ये थोड़ी सी गाजर ली है, ये थोड़ा सा मैंने बैंगन लिया है, शिमला मिर्च, और ये बीन्स हैं। दो छोटे छोटे आलू काट लिए, पतले पतले ही काटने आलू को भी। और ये थोड़ा सा मैंने गोभी का फूल लिया है, दो तीन टुकड़े मैंने गोभी के लिए हैं। चलिए बनाते हैं। अपना कुकर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून डाला है मैंने। ये कुछ करी लीव्स हैं मेरे पास, हम इसमें डालेंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज। नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि कोई वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ मैं। रोज़ रोज़ नाश्ते का बहुत झंझट रहता है, क्या बनाएं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और ऑनियन का, तीनों का पेस्ट बना हुआ था मेरे पास, ये मैं डाल ली हूँ। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है मैंने, अच्छे से इसको भूनते हैं। अब इसमें डालेंगे अपनी गाजर, जो थोड़ा इस मौसम की टाइट होती है तो पहले इसलिए डाल ली हूँ। अच्छे से भूनेंगे इसको। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार हाफ टी स्पून डाल ली हूँ मैं, फिर से डाल ली हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक का भी यही, मिर्च का भी यही, आप टेस्ट के अनुसार ही डालें। थोड़ा सा पानी भूल रही हूँ, अपनी सब सब्जियां डालेंगे, गोभी और आलू, बैंगन, एक कटा हुआ टमाटर और एक ग्रीन चिल्ली काटा था मैंने, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला करें। 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही भूनने के, ताकि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैंने पहले यूज नहीं किया है खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा चुटकी भर में डाल ली हूँ, ज़्यादा नहीं डालें। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, अब इसमें डालेंगे, पानी अच्छे से खोल गया है, अब सिवई डालेंगे इसमें। सिवई इससे थोड़ी मोटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई सी भी सिवई आप ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता बनता है। और एक सीटी आने तक पकाएंगे, एक सीटी कर देखते हैं सिवई। माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई हैं हमारी सिवई। देखो बिल्कुल खिली खिली बनी है। सब्जी को मैंने पहले बारीक बारीक काटा था, आलू वगैरह को भी, उसको पहले भूनते भूनते मैंने अच्छे से गला दिया था थोड़ा, और एक सीटी में मैंने इनको खोल दिया है। चलिए इनको डिश आउट करते हैं। लीजिए माशाल्लाह से हमारी नमकीन सिवई बनकर तैयार है। आप ज़रूर इनको नाश्ते में ट्राई करें, और ये नाश्ते में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है नाश्ते के लिए। और मुझे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।